आफ्टर लॉन्ग टाइम ड्रिप फेस्ट का न्यू अपडेट आ चुका है हमारे पोको एक्स टू डिवाइस के लिए। और गाइस ये उन रो में से एक है, ठीक है, जो मतलब बहुत सालों से सर्वाइव करते आ रहे हैं और अभी इस टाइम पे भी इसका अपडेट मिल रहा है, ठीक है। तो आज हम देखने वाले इसका मतलब इस अपडेट में इसका परफॉर्मेंस कैसे है और क्या कुछ फीचर्स नया ऐड हुआ है, तो सब कुछ मैं इस वीडियो में मतलब बताऊँगा, ठीक है। तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नया हो और पोको एक्स टू में कस्टम रोम के वीडियो देखना चाहते हो तो चैनल को ऑब्वियसली सब्सक्राइब कर सकते हो। गाइस सबसे पहले बात करते हैं इसका अबाउट फोन से, ठीक है। तो इधर आपको कुछ इस तरह से मतलब इंटरफेस देखने को मिल जाएगा। इधर आप एंड्रॉयड वर्सन देख सकते हो 12L। एंड्रॉयड वर्सन में अगर आओगे तो इधर आपको ड्रिप फेस देखने को मिल जाएगा, प्लेटफॉर्म 12L देखने को मिल जाएगा, ठीक है। ड्रिप फेस का जो वर्सन है वो आपको 12 देखने को मिल जाएगा। चेंज लॉक इधर आपको मिल जाएगा, मेंटेनर का नाम मिल जाएगा। एंड्रॉयड सिक्योरिटी अपडेट देखोगे 5 अगस्त 2022 मिल जाएगा। बेसबैंड वर्सन आप देख सकते हो, इसका जो कर्नल वर्सन है वो देख सकते हो, ठीक है। से लिनक्स स्टेटस देख सकते हो, तो इस तरह से मिल जाएगा। गाइस अगर आप एंड्रॉयड मतलब प्लेटफॉर्म वर्सन जो है वहाँ पर आपको टैप करोगी तो आप इधर से स्क्रॉल करोगी तो इस तरह से आपको मिल जाएगा 12L, ठीक है। इसका जो मतलब ड्रिप फेस वर्सन है इधर आप टैप करोगी तो यहाँ पर भी आपको मिल जाएगा, तो इस तरह से देखने को मिल जाएगा, ठीक है। इस तरह से बैक में आओगी तो इधर आपको सिस्टम मिल जाएगा, तो सिस्टम में आपको कुछ इस तरह से मिल जाएगा। इधर ड्रिप फेस अपडेटर मिल जाएगा, ठीक है, तो इधर देखने को मिल जाएगा इस तरह से। और यहाँ पर आपको जेस्चर एंड केस मिल जाएगा, 1 हैंडेड आप ऐड कर सकते हो। सिस्टम नेविगेशन आप इस तरह से यहाँ पर है देख सकते हो। क्विक टैप इधर आपको मिल जाएगा, टैप मिल जाएगा, ठीक है। अगर आप टेक स्क्रीनशॉट कर दोगे तो ऑन कर देने के बाद बैक में आओगी, उसके बाद अगर देखो अगर पीछे टैप करेगी 2 बार तो आपका स्क्रीनशॉट हो जाएगा, ठीक है। तो ये फीचर सबको इस तरह से मिल जाएगा इस अपडेट में, ठीक है। इधर आपको जो डबल टैप टू चेक फोन है वो देखने को मिल जाएगा, ठीक है। और नीचे आपको टैप टू स्लीप लेफ्ट टू चेक फोन मिल जाएगा, क्विकली ओपन कैमरा मिल जाएगा, प्लेबैक कंट्रोल मिल जाएगा, वॉल्यूम वेक मिल जाएगा, स्वैप वॉल्यूम लॉकर ऑर्गेनाइजेशन मिल जाएगा। तो गाइस इस तरह से, ठीक है। इधर आपको डिसेबल पावर मेनू ऑन लॉक स्क्रीन, तो लॉक स्क्रीन में आप मतलब पावर मेनू को नहीं ऐड कर सकते। इनेबल एडवांस मतलब रीस्टार्ट, क्विक टॉर्च, तो क्विक टॉर्च इधर आपको मिल जाएगा, होल्ड फोर असिस्टेंट, ठीक है। बैक में आओगी तो कुछ इस तरह से है। आप शुरू करते हैं इसका ऊपर से, ठीक है। इधर आपका जो मतलब मल्टीपल यूजर है वो ऐड कर सकते हो, ठीक है। इधर आपको मिल जाएगा नेटवर्क एंड इंटरनेट, ठीक है। तो नेटवर्क एंड इंटरनेट पे जाओगे तो कुछ इस तरह से देखने को मिल जाएगा। कनेक्टेड डिवाइस में जाओगे तो इस तरह से है। ऐप्स में जाओगे तो आपको इस तरह से देखने को मिल जाएगा इसका लुक। और गाइस इसका जो मतलब खुद का जो कस्टमाइजेशन है वो आपको इधर मिल जाएगा, ड्रिप स्पेस, ठीक है। तो इसका बाद में बात करेंगे, पहले जो सेटिंग है अदर्स उसको देख लेते हैं। नोटिफिकेशन में जाओगे तो इस तरह से मिल जाएगा, बबल्स कन्वर्सेशन डिवाइस ऐप्स नोटिफिकेशन और लॉक स्क्रीन तो मिल जाएगा। सेंसिटिव नोटिफिकेशन लॉक तो इस तरह से मिल जाएगा, ठीक है। बहुत कुछ है, ब्लिंक लाइट, इनर्ट्स नोटिफिकेशन मिल जाएगा। और बैक में आओगी तो आपको बैटरी मिल जाएगा, तो बैटरी में आ चुके हैं। तो इस बैटरी की बात करें तो इसका जो चार्जिंग स्पीड है वो आपको मतलब मिनिमम से ही देखने को मिल जाएगा, ठीक है। लेकिन 90 के बाद इसका जो चार्जिंग है वो थोड़ा स्लो आपको फील होगा, ठीक है। फील मतलब स्लो चार्ज होगा, ठीक है। इधर आपको मिल जाएगा बैटरी यूज, तो देख सकते हो। इधर से आपको यूज पिक्सल्स बैटरी स्टेटस प्रोवाइडर मिल जाएगा, ठीक है। और बैटरी चार्जिंग वार्निंग मतलब आपका फुल चार्ज होगा तो ये वार्निंग दे देगा, ठीक है। एडिटिव बैटरी ब्लॉक सेंसर, ईडल मैनेजर, बैटरी ऑप्टिमाइजेशन और इसका बैटरी टेम्परेचर आप देख सकते हो 36.7 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। तो इस तरह से देखने को मिल जाएगा, ठीक है। और बैटरी बैकअप की बात करें तो मैं मिनिमम मतलब जो इसको नॉर्मल यूजेस में यूज़ किया हूँ, ठीक है, नॉर्मली यूज़ कर चुका हूँ तो मुझे बैटरी बैकअप से इसका देखने को मिल चुका है, ठीक है। और नीचे आपको मिल जाएगा स्टोरेज, तो मेरा तो स्टोरेज लगभग एकदम फ्री स्पेस है, देख सकते हो। साउंड में जाओगे तो इस तरह से इसका इंटरफेस देखने को मिल जाएगा। वॉल्यूम स्टेप्स आप किस तरह से मतलब कितना रख सकते हो तो अपने हिसाब से रख सकते हो। इधर आपको वॉल्यूम पैनल टाइम आउट मतलब किस कितना सेकेंड रहेगा ये तो ये ऐड कर सकते हो। डिफॉल्ट नोटिफिकेशन साउंड, डिफॉल्ट अलार्म साउंड इधर आपको मिल जाएगा। डायल पैड टोन्स, ठीक है। स्क्रीन लॉकिंग साउंड,
तो स्क्रीन लॉकिंग अनलॉकिंग साउंड मिल जाएगा, चार्जिंग साउंड एंड वाइब्रेशन साउंड है वो मिल जाएगा, प्री ऐप वॉल्यूम कंट्रोल साइलेंट और वाइब्रेट, स्क्रीनशॉट साउंड, मी साउंड इन एंड। तो गाइस ये लगभग आप जितने भी मतलब कस्टम रूम आ रहे हैं ना एंड्रॉइड 12 को, उसमें सब रूम में ये मतलब फीचर सेट हो रहा है, ठीक है, मी साउंड इन एंड, तो ये आपको देखने को मिल जाएगा, ठीक है। और बैक में आओगी तो इधर आपको मिल जाएगा डिस्प्ले, तो डिस्प्ले में जाओगी तो आपको इधर ब्राइटनेस लेवल मिल जाएगा, ठीक है, एडेप्टिव मतलब ब्राइटनेस मिल जाएगा, इधर आपको एक्स्ट्रा डिम मिल जाएगा, लाइव डिस्प्ले मिल जाएगा, लॉक स्क्रीन मिल जाएगा, ठीक है, तो लॉक स्क्रीन आपको कुछ इस तरह से मिल जाएगा, आप लॉक स्क्रीन मतलब सो डिवाइस कंट्रोल्स मिल जाएगा, आप लॉक स्क्रीन जो स्क्रीन है यहाँ पर कुछ मतलब ऐड कर सकते हो, लॉक स्क्रीन में आपको शो हो जाएगा नीचे, ठीक है, इधर शो हो जाएगा, आप इधर डबल क्लिक डबल लाइन क्लॉक मिल जाएगा, ऑलवेज शो टाइम इन्फो मिल जाएगा, ऑलवेज ऑन व्हेन चार्जिंग, लेफ्ट टू चेक फोन मिल जाएगा, तो बहुत कुछ फीचर्स है, डबल टैप टू स्लीप ऑन स्लीप ऑन लॉक स्क्रीन मिल जाएगा, ठीक है। तो गाइस बहुत कुछ आपको इस बार अपडेट में मतलब फीचर्स मिल जाएगा, ठीक है, डार्क मोड अलाउ विंडो लेवल ब्लर्स मिल जाएगा, फॉन्ट साइज डिस्प्ले साइज स्मॉलेस्ट मतलब इसका जो DPI है वो इधर से एडजस्ट कर सकते हो, मिनिमम रिफ्रेश रेट देख सकते हो 120, मैक्सिमम भी 120, सो रिफ्रेश रेट करोगे तो इधर आपका जो रिफ्रेश रेट की इतना मतलब हो रहा है तो वो आप इधर से शो कर सकते हो, ठीक है। ऑटो रोटेट स्क्रीन इस तरह से कुछ मतलब मिल जाएगा, ठीक है, तो देख सकते हो। बैक में आओगी तो आपको इधर वॉलपेपर एंड स्टाइल मिल जाएगा, ठीक है, तो इस तरह से आपको मिल जाएगा। तो यहाँ पर अगर चेंज वॉलपेपर में जाओगी तो इसका जो खुद का जो रेफरेंस का वॉलपेपर है वो आपको कुछ वॉलपेपर मिल जाएगा जो आप चॉइस करके ऐड कर सकते हो, ठीक है, तो इस तरह से मिल जाएगा। बैक में आओगी तो आपको थीम आइकॉन मिल जाएगा, सिस्टम आइकॉन पैक्स मिल जाएगा, ठीक है, इसमें आप कौन से आइकॉन ऐड करोगे तो आपको मिल जाएगा। बैक में आओगी सिस्टम फॉन्ट आप ऐड कर सकते हो, ठीक है, तो इसका रिफ्रेश का जो खुद का कस्टमाइजेशन है उस पर मिल जाएगा, तो वहाँ पर इसका बात करेंगे। एसेबिलिटी में जाओगी तो कुछ इस तरह से मिल जाएगा, सिक्योरिटी में जाओगी तो गाइस इस पर आपको ऐप लॉक भी मिल जाएगा, ठीक है, फेस लॉक भी मिल जाएगा, फिंगरप्रिंट भी मिल जाएगा, ऑटो रिबूट इधर आपको मिल जाएगा, ठीक है, तो देख सकते हो फिंगरप्रिंट पे आ चुके हैं, तो गाइस इसका जो फिंगरप्रिंट है वो देख लो, ठीक है, तो ये टच किया ऑन हो गया, ये टच किया ऑन हो गया, ठीक है, तो देख सकते हो। होम स्क्रीन पे जाओगी, टैप किया ऑन हो गया, हाँ एक गाइस देखो एक प्रॉब्लम मैं इसको बहुत बार फेस किया हूँ, ठीक है, लॉक करने के बाद कुछ इस तरह से मतलब आपको लैग फील होगा, ठीक है, अटैक के ऑन होगा, देख सकते हो, तो इस तरह से आपको थोड़ा इसमें बग्स देखने को मिल जाएगा, ठीक है। ऐप लॉक तो इसमें आपको ऐप लॉक इस तरह से आपको मिल जाएगा, ठीक है, ऑफ करने दो पहले, तो ऑन किया तो ऐप लॉक में कुछ इस तरह से आपको मतलब हो रहा है, ठीक है, कुछ इस तरह से फ्रेज होते होते मतलब ये ब्लर ऊपर हो रहा है, ठीक है, तो इसका जो स्क्रीन लॉक बोल मतलब ऐप लॉक बोल सकते हो तो वो आप मत यूज़ करो क्योंकि इसमें आपको थोड़ा बग्स मिल जाएगा, ठीक है। और बात करें इसका कहाँ पर था, सिक्योरिटी में, तो इसका फेस लॉक, तो फेस लॉक आप गाइस बात करें फेस लॉक की तो देख सकते हो फेस लॉक मतलब स्पीड से ही आपको मिल जाएगा, ऑन किया देख सकते हो, ऑफ किया ऑन किया देख सकते हो, तो मिनिमम बोल सकते हो जो इसका ऐप लॉक है वो मिनिमम आपको सही देखना होगा। आगे तो आपको प्राइवेसी है, लोकेशन तो ए हर रूम में जिस तरह से उस तरह से मिल जाएगा। अब चलो इसका जो खुद का जो कस्टमाइजेशन है वहाँ पे, ठीक है, तो आप चलो ट्रिप स्पेस पे, ठीक है, यहाँ पर आपको स्टेटस बार, ठीक है। और गाइस इस रूम के एक खास बात है कि बहुत सारे ऐसे कास्टरूम हैं, ठीक है, जिसमें आपको सारे फीचर्स एक जगह में देखने को मिल जाएगा, ठीक है, इस तरह से मतलब एक्स्ट्रा करके देखने को नहीं मिलता है, लेकिन इस वाले जो कास्टरूम रूम है इसमें आपको सारे फीचर्स मतलब इस तरह से फोल्डर के तरह देखने को मिल जाएगा, उसके अंदर ले जाओगी तो आपको उसको फीचर्स मिल जाएगा, ठीक है, तो एक अच्छी बात है इस रूम का। सबसे पहले इसका बैटरी एंड सेटिंग्स, ठीक है, तो यहाँ पर जाओगी तो उसी जो अदर समर रूम है उस तरह से ही मिल जाएगा, ठीक है, जो बैटरी जो स्टाइल है वो आप चेंज कर सकते हो, बैटरी परसेंटेज सब रख सकते हो, टॉगल कलर बैटरी जो आइकॉन है मतलब जब बैटरी कम हो जाएगा तो कलरिंग हो जाएगा, ठीक है, तो इस तरह से बैटरी बार इधर आपको लोकेशन मिल जाएगा, तो स्टेटस बार टॉप
तो स्टॉप में तो शो नहीं हुआ, स्टेटस बार बटन तो टॉप में मतलब जोड़ा मेरा जो टिम्पल है वो छोटा है, ठीक है, इसने शो नहीं हुआ। तो इस तरह से देख सकते हो आप लोगों को शायद नोटिस नहीं हो रहा है, ठीक है। अगर स्टेटस बार मतलब बटन कर दोगे तो एक तो हाँ गाइस आप शो हो रहे हैं देख सकते हो, तो कुछ इस तरह से आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो इसको आप ही रखने दो, बैक में आओगी तो कैरियर लेवल, ठीक है। तो लॉक स्क्रीन मतलब कैरियर लेवल जो ऊपर का जो कस्टम कैरियर लेवल है, तो इधर में आप जो ऐड करेंगे उधर तो इधर आपको शो हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से मिल जाएगा, तो देख सकते हो तो इस तरह से मिल जाएगा। बैक में आओगी तो आपको मिल जाएगा क्लॉक एंड डेट सेटिंग्स, ठीक है। तो शो क्लॉक एंड डेट तो आप कर दोगे तो आप हो जाएगा। ये लेफ्ट राइट सेंटर में कर सकते हो, AM PM आप शो कर सकते हो, शो सेकेंड कर सकते हो, डेट पोजीशन, डेट फॉर्मेट, डेट स्टाइल आप कर सकते हो, ठीक है। बैक में आएगी तो इधर आपको स्टेटस बार आइटम्स तो कौन कौन के मतलब नोटिफिकेशन में इस तरह से आपको इधर मिल मतलब शो होगा तो आप ऐड कर सकते हो। बैक में आएगी तो मिसकेलिनियस इस तरह से मिल जाएगा, तो इधर आपको ड्रिप फेस का जो लोगो है वो देखने को मिल जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से मिल जाएगा ड्रिप फेस का जो लोगो है। कलर आइकॉन तो देख सकते हो, आइकॉन कलर कर सकते हो। सो वाईफाई टाइप, बैटरी स्टेटस, सो डेट डिसेबल आइकॉन, 4G आइकॉन, ठीक है। तो इधर से आपको मिल जाएगा आइकॉन मिल जाएगा, ठीक है। तो देख सकते हो इस तरह से आप वोल्टी आइकॉन को चेंज कर सकते हो, बहुत सारे ऐसे जो आपको पसंद है वो आप रख लेना, ठीक है। तो इस तरह से मिल जाएगा। नीचे आपका जो वाईफाई का जो आइकॉन है वो भी चेंज कर सकते हो, ठीक है। नीचे और भी कुछ मतलब फीचर्स है तो आप देख लेना, ठीक है। ब्राइटनेस कंट्रोल आपको मिल जाएगा, आप रखना चाहते हो कि नहीं, इस तरह से मिल जाएगा। लोकेशन प्राइवेसी इंडिकेटर, माइक एंड कैमरा प्राइवेसी, तो ये तो आप लोगों को पता है। सो कॉल स्ट्रेट आइकॉन्स, स्मॉल मोबाइल टाइप आइकॉन, रोमिंग इंडिकेटर, तो इस तरह से मिल जाएगा, ठीक है। अगर इधर से स्क्रॉल करोगे साइड में तो इधर आपको क्यूज पैनल मिल जाएगा, ठीक है। तो सबसे पहले इधर क्यूज पैनल में आपको मिल जाएगा नोटिफिकेशंस, ठीक है। तो अगर आप जाओगे तो एम्बेंट एज लाइटनिंग मिल जाएगा, ठीक है। इधर आपको कील ऐप बटन मतलब ये बटन मिल जाएगा, ठीक है। तो अगर ये ऑफ कर दोगे तो इस तरह से आपको मतलब आपको थोड़ा एक बार रजिस्टर करना पड़ेगा, तो उसके बाद ऑफ ऑन होगा, ठीक है। फोर्स एक्सपेंड नोटिफिकेशन मिल जाएगा, नोटिफिकेशन काउंट मिल जाएगा, एनिंग नोटिफिकेशन मिल जाएगा, नोटिफिकेशन वाइब्रेशन मिल जाएगा, ठीक है। हेड्स अप मिल जाएगा, ऐप ओनली यूज ऐप कलर बैकग्राउंड, तो इस तरह से बहुत कुछ फीचर्स है, ठीक है। ब्लिंक प्लस लाइट फॉर इनकमिंग कॉल मिल जाएगा। बैक में आओगे तो की क्विक सेटिंग में जाओगे तो स्मार्ट बैटरी एस इधर आपको मिल जाएगा, बैटरी एस टाइम मेट, ठीक है। तो इस तरह से मिल जाएगा, ऑन ऑफ कर सकते हो। रिक्वायर अनलॉकिंग टू यूज सेंसिटिव टेल्स मिल जाएगा। सो क्यूज फॉर टेक्स्ट, जो इधर का टेक्स्ट है वो आप ऐड कर सकते हो। और इधर आपको डेटा यूसेज मिल जाएगा, ठीक है। जो आपका डेटा मतलब कितना परसेंट जा रहा है, कितना जा रहा है वो देखने को मिल जाएगा। नीचे आपको मिल जाएगा रनिंग सर्विस आइकॉन, क्यूज फॉर वार्निंग, मतलब वो तो आप लोग जानते हो तो इसलिए उसको दोबारा एक्सप्लेन ठीक से इसे नहीं करूँगा, ठीक है। ऑटो ब्राइटनेस आइकॉन, क्लियर जो क्लियर ऑन नोटिफिकेशन बटन है वो आप ऐड कर सकते हो, ठीक है। इसका जो नोटिफिकेशन बटन है, ठीक है, वो आप ऐड कर सकते हो। उसका जो स्टाइल से वो भी आप चेंज कर सकते हो, ठीक है। इस तरह से अब इसको इस तरह से रख सकते हो। टोटल 9 जो बटन स्टाइल है वो आप ऐड कर सकते हो, ठीक है। और उसका सर्कल रखना चाहते हो या कुछ और, तो उस तरह से आप यहाँ पर भी इसको चेंज कर सकते हो, ठीक है। इधर आप देख सकते हो, अगर आप इसको ऑफ कर दोगे, ठीक है, तो ऑफ कर दोगे तो आपका जो मीडिया प्लेयर है वो कुछ इस तरह से आपको देखने को मिल जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से मिल जाएगा, ऑन कर दोगे तो आपको कुछ इस तरह से मिल जाएगा, ठीक है। नीचे आपको प्लेयर अमाउंट फॉर मीडिया आर्टवर्क मिल जाएगा, ठीक है। तो अगर आपका जो बैकग्राउंड है वो देख सकते हो, अगर इसको फुल ब्लर कर दोगे तो आपका जो मीडिया का जो अंदर जो इसका वॉलपेपर है वो आपको ब्लर देखने को मिल जाएगा, ठीक है। अगर इस तरह से कर दोगे तो आपको क्लियर शो हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से इधर आपको मिल जाएगा एनिमेशंस, ठीक है। तो एनिमेशन स्टाइल में आप अपने जो टॉगल्स है उसको मतलब एनिमेशन ऐड कर सकते हो कुछ इस तरह से, तो देख सकते हो तो मिल जाएगा। इधर आपको एनिमेशन ड्यूरेशन, टेल्स एनिमेशन, इंटरपोलेटर मिल जाएगा, ठीक है। नीचे आपको वाइब्रेशन, वाइब्रेशन तो वाइब्रेट ऑन टच, तो टच में आप वाइब्रेशन रखना चाहते हो कि नहीं वो भी मिल जाएगा। साइड में आओगे तो आपको लॉक स्क्रीन, तो मतलब अलग अलग से आपको इधर मिल जाएगा, ठीक है, जो आपको आसानी हो जाएगा इसका जो कस्टमाइजेशन है वो ढूंढने में, ठीक है। तो लॉक स्क्रीन शॉर्टकट तो इस तरह से मिल जाएगा आपको। लॉक स्क्रीन UI डिसेबल
रिपल्स इफेक्ट, तो आपको ए एनिमेशन चाहिए कि नहीं वो आप इनेबल डिसेबल कर सकते हो। फिंगरप्रिंट सक्सेस में वाइब्रेशन ऐड कर सकते हो, फिंगरप्रिंट इरोन में भी आप वाइब्रेशन ऐड कर सकते हो, मतलब आप अपने हिसाब से ऑन ऑफ कर सकते हो। हाइट स्टेटस पर चार्जिंग इन्फो देख सकते हो, टेम्परेचर मिल जाएगा आपको, ए ओ डी आइकॉन्स ऑन लॉक स्क्रीन मिल जाएगा, शो मीडिया आर्ट मिल जाएगा, इधर आपको एम बाइट मतलब ऑलवेज ऑन दिस डिस्प्ले भी मिल जाएगा, ठीक है, तो इस पर देख सकते हो मिल जाएगा। इधर आपको मिल जाएगा कस्टमाइजेशन, इधर जाओगे तो आपको मॉनेट इंजन मिल जाएगा, तो देख सकते हो इसका मॉनेट इंजन जो वॉलपेपर की सबसे जो थीमिंग का कलर है वो चेंज हो जाता है। इसका कोई क्यूज पैनल देख सकते हो, मतलब कितना कूल लग रहा है, ठीक है, इसके इस मतलब ब्राइटनेस स्केल कलरफुल लाइन्स आप कितने मतलब रखना चाहते हो आप अपने हिसाब से ही रख सकते हो, ठीक है, तो बहुत कुछ कस्टमाइजेशन है देख लेना। आपको मतलब फॉन्ट मिल जाएगा, आपको जो फॉन्ट है वो आप ऐड कर सकते हो, ठीक है। आइकॉन पैक में गाइस बहुत सारे जो आइकॉन है वो आपको मिल जाएगा, वाईफाई आइकॉन में जाओगे तो बहुत सारे जो न्यू आइकॉन है वो मिल जाएगा, सिग्नल आइकॉन में जाओगे तो इधर तो और भी कुछ आइकॉन है देख सकते हो, विंडोज विंग्स स्टॉक रील मतलब इधर हॉनर का भी है, फैन बहुत सारे मतलब डिवाइसेस का आपको इधर मिल जाएगा, ठीक है, तो आप अपने हिसाब से उसको ऐड कर सकते हो। आईकॉन शेप आप देख सकते हो इधर से, तो इसका जो नीट बैक में आगे तो पल्स मिल जाएगा, इधर से आप इक्वलाइजर ऐड कर सकते हो म्यूजिक में, तो बहुत सही है, तो आप अपने हिसाब से मतलब जो पसंद है ऐड कर लेना। ऑन स्क्रीन नेविगेशन बार देख सकते हो, इधर आपको चैनल सेटिंग मिल जाएगा, तो इधर आपको मतलब इसका जो अनलिमिटेड गूगल फोटो स्टोरेज है वो मिल जाएगा, 12 स्टेप आइकॉन मिल जाएगा, चार्जिंग स्लाइडर नोटिफिकेशन ब्रन ऑन प्रोटेक्शन इनेबल और डिसेबल कर सकते हो। तो गाइस यही था इसका जो कस्टमाइजेशन है, ठीक है, तो बहुत सारे आपको इसमें कस्टमाइजेशन मिल जाएगा, ठीक है। तो अब चलो गाइस इसका जो मतलब कैमरा है वो कैसे है, तो गाइस इसमें जो है इसमें आपको जो गूगल कैमरा मिल जाएगा, ठीक है, तो इस तरह से आपको मिल जाएगा गूगल कैमरा, इसका सेटिंग कुछ इस तरह से है देख सकते हो, तो गूगल कैमरा है तो फोटो मतलब आप खींचोगे तो वो भी बहुत क्लियरिटी है, तो आप चाहो तो इसमें NX कैमरा की लेटेस्ट वाले वर्सन को फ्लैश कर सकते हो, ठीक है, रूट करके, तो इस तरह से मिल जाएगा। और कुछ लिमिटेड जो एप्लीकेशन है वो आपको देखने को मिल जाएगा, ठीक है। और इसका बात करें डायलर तो आपको वही गूगल डायलर मिल जाएगा, तो देख सकते हो गूगल डायलर मिल जाएगा आपको। बस बात करते हैं इसका जो डिवाइस है वो सर्टिफाइड है कि नहीं, तो वो भी आप लोगों को दिखाने दो, रुक जाओ, तो अबाउट तो गाइस देख सकते हो इसका जो डिवाइस है वो आपको बाय डिफॉल्ट आपको सर्टिफाई देखने को मिल जाएगा, ठीक है, तो आप आसानी से इसमें बैंकिंग ऐप यूज कर सकते हो। सबसे पहले आप इसका जो गीकबेंच स्कोर है वो देख लो, ठीक है, तो सिंगल कोर और जो मल्टी कोर है वो देख लो आप अपने सामने, ठीक है, इसका जो सीपीयू थ्रोटल है वो भी आप देख लो, ठीक है, और इसका जो अंतुद बेंचमार्क है वो भी देख लो, तो आप अंदाजा लगा सकते हो इसका जो मतलब गीकबेंच स्कोर है वो थोड़ा कम है, इसका सीपीयू थ्रोटिंग मतलब सही है, ठीक है, और इसका जो अंतुद बेंचमार्क है वो भी आपको थोड़ा कम देखने को मिल जाएगा, लेकिन इसका परफॉर्मेंस आपको सही मिल जाएगा, ठीक है, तो इस तरह से है। और इसका जो स्मूथनेस है होम स्क्रीन बोल सकते हो, ऐप ओपनिंग क्लोजिंग, तो वो आपको गाइस सबसे मतलब बढ़िया देखने को मिल जाएगा, ठीक है। बात करें इसका जो होम स्क्रीन सेटिंग, ठीक है, तो होम स्क्रीन में आपको इस तरह से मिल जाएगा, इसका जो ड्रिप लॉन्चर है वो देखने को मिल जाएगा वर्सन 1.0 आइए, तो इधर आपको सबसे पहले आइकॉन देखने को मिल जाएगा, ठीक है, तो आइकॉन देखने को मिल जाएगा, नोटिफिकेशन डॉट मिल जाएगा, आइकॉन साइज फॉन्ट साइज मैक्स लाइनेस फॉर ऐप लेवल, ठीक है। होम स्क्रीन में जाओगे तो कुछ इस तरह से आपको सेटिंग मिल जाएगा, डबल टैप टू स्क्रीन ऑन ऑफ कर सकते हो, वॉलपेपर स्क्रोलिंग इधर उधर कर स्क्रोलिंग होगा, वॉलपेपर जूमिंग, स्वैप एक्सेस, गूगल ऐप्स, शो स्टेटस बार, तो बहुत सारे कुछ फीचर्स है, ठीक है, जो आपको इस लॉन्चर में मिल जाएगा। इधर आपको मिल जाएगा शो कार्ड ऑफ रिसेंट ऐप, ठीक है, जो आपको कुछ इस तरह से देखने को मिल जाएगा, ठीक है, अगर आप इसको मतलब ऑफ कर दोगे तो नॉर्मली से आपको इस तरह से देखने को मिल जाएगा, ठीक है, तो आप अगर मतलब इसको पसंद करते हो तो आप इसको ही मतलब यूज़ कर सकते हो, ठीक है, क्लोज कर देगी तो इस तरह से आपको एनिमेशन से देखने को मिल जाएगा, ठीक है, सही सही था आज के वीडियो, ठीक है, रोम तो आपको सही देखने को मिल जाएगा, लेकिन इसमें कुछ बग्स वगैरह है वो मिल जाएगा, ठीक है, लेकिन कुछ बग्स आपको देखने को मिल जाएगा, तो आप अगर कॉम्प्रोमाइज़ कर सकते हो तो इसको फ्लैश कर सकते हो, ठीक है, टेस्ट करने के लिए बहुत दिन के बाद आप डिले है तो देख सकते हो। लॉक स्क्रीन पर आपको इस तरह से बग्स देखने को मिल जाएगा, ठीक है, और बहुत सारे रोम पर अपडेट आ चुके हैं, ठीक है,
सबका ये वीडियो आ जाएगा, थोड़ा आपको वेट करना पड़ेगा, ठीक है। तो थोड़ा वेट करो, सबका ये मतलब वीडियो आ जाएगा। टॉगल सबको कुछ इस तरह से मिल जाएगा, ठीक है। तो देख सकते हो इस तरह से। सो गाइस, यही था जो ड्रिप फेस्ट है उसका रिव्यू, ठीक है। और बहुत सारे जो कस्टम रूम है उसमें अपडेट आना शुरू हो चुका है, ठीक है। तो सबका ये वीडियो आ जाएगा, तो थोड़ा वेट करना पड़ेगा। तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है। तो चलो गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे।